हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर्स चैनल एंड आई एम हियर विद माय डेली गियर दैट इज़ निकॉन Z8। अब आप जजमेंटल मत बनना कि हमेशा कंटेंट गैप को फिल करने के लिए Z8 पकड़ के क्यों आ जाता है लेमन फोटोग्राफर। तो वेल मैं आपको बता दूँ, ये मेरा पुराना Z8 तो है लेकिन विथ द न्यू 2.0 फर्मवेयर, और इस एडिशन से ये अभी काफ़ी केपेबल हो गया है। और ये निकॉन के Z9 जो इसका बड़ा भाई है उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहा है। बस एक आध फीचर्स कम ही रहे, जैसे कि इसका बैटरी का लाइफ थोड़ा कम है और इसका बैटरी ग्रिप नहीं है, बाकी सब कुछ समान है। वेल इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जो फर्मवेयर 2.0 अपग्रेड हुआ है उसके साथ क्या क्या नए फीचर्स आए हुए हैं। वेल Without delaying any much time, let's get started. इसके फर्मवेयर 2.0 को या 2.0 जो भी हो नाम, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए तो 2.0 है, बचपन से 2.00 ही पढ़ते आए हुए। तो ये 2.0 की आने के बाद से, जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी केपेबल हो गया है। और उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा चलिए मैं आपको झलक दिखाता हूँ, क्योंकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट में फ़ीचर्स का एक बड़ा सा लिस्ट आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। और आई थिंक इसके सेगमेंट के, निकॉन Z8 के सेगमेंट में ये किंग भी कहा जा सकता है। वेल ये एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये पक्का किंग निकल के ही आएगा इसके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी फीचर्स को अगर हम कंसिडर करेंगे और कंपेयर करेंगे अदर मैन्युफैक्चरर्स लाइक द बिग ब्रांड्स, आप जैसे ये जानते ही हैं। तो फीचर्स मैं इसके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों को डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि दोनों में इम्प्रूवमेंट हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले जो फोटोग्राफी का फीचर है, दैट इज़ सब्जेक्ट डिटेक्शन बर्ड मोड। ये वेल एक ऑटोफोकस का फीचर है, क्योंकि निकॉन के जो नए जनरेशन के कैमराज हैं उनमें कई सारे ऑटोफोकस के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, जैसे कि सब्जेक्ट डिटेक्शन टू फेस था, जो ह्यूमन फेस था, एनिमल फेस था या आईएस था, कार्स थे, इनफैक्ट प्लेन्स थे, लेकिन इस कैमरा के अंदर ये बर्ड का आना, और ये कोइंसिडेंस कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन आप तो जैसे कि जानते हैं कि साल भर से मैं बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ और कई दिक्कत होता है बर्ड फोटोग्राफी करने में फोकसिंग के रिलेटेड, और इसके आने से अभी बर्ड को फोटोग्राफी करना, उसको ट्रैक करना, उसको फोकस करना बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, बस एक ही बार किया हूँ और मुझे ठीक ठाक लगा, जबकि मैं ओल्डर लेंस यूज़ कर रहा हूँ, AFS जो 200-500 है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो उसका कंप्लीट पोटेंशियल है उसको अभी तक एनालाइज कर नहीं पाया हूँ। लेकिन जो सोर्सेस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है कि चाहे आप किसी सिचुएशन में बर्ड का फोटोग्राफी करें, चाहे वो स्टिल्स में हो या फ्लाइट्स पे हो या बुशेस में कहीं हाइड होके हो या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट वाले सिचुएशन हो, ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में दोनों में बर्ड्स को फोकस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसका सेकेंड जो फीचर है, जो कि आई थिंक एक रिवोल्यूशनरी फीचर है इन इटसेल्फ, हालांकि ये निकॉन Z9 में आ चुका था कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, लेकिन अभी निकॉन Z8 में इंट्रोडक्शन के बाद अब Z9 और Z8 के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रह गया है, अपार्ट फ्रॉम द बैटरी लाइफ एंड बैटरी ग्रिप जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो सेकेंड फीचर है, दैट इज़ ऑटो कैप्चर, और ये मोशन डिटेक्ट करके ऑटो कैप्चर करता है, जो कि निकॉन Z9 में AI मोशन एडवांस वाला जो ऑटो कैप्चर है उसी के बेस में आता है। बेसिकली इसके तीन फीचर्स रहते हैं कि अगर आपका कैमरा किसी पोजीशन पे है और मोशन डिटेक्ट करता है तो वो ऑटो कैप्चर करेगा, या फिर कुछ प्री डिटरमाइंड रेंजेस रहेंगे, जैसे कि आपका एक फ्रेम बना के रखे हैं और वो फ्रेम के अंदर अगर आ जाता है कोई भी सब्जेक्ट तभी कैप्चर करता है, या फिर प्री डिटरमाइंड ऑटोफोकस एरिया जितने भी है, चाहे वो पीपल के फेसेस हो या एनिमल के फेस हो या बर्ड्स या प्लेन की हो, अगर फ्रेम के अंदर ये चारों में से कुछ भी आता है तो उसका मोशन और वो फोकल रेंज को लेके इजीली डिटेक्ट करके ऑटो कैप्चर करेगा।
तो ये है ना एक रिवोल्यूशनरी फीचर वाला, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले बहुत देर देर तक वेट करते हैं, करीब करीब 3-4 कैमराज यूज़ करने पड़ते हैं लेपर्ड्स के, टाइगर्स के, लायंस के फ़ोटोज़ लेने में, क्योंकि वो बहुत रेयर रहते हैं और इसी के कारण कभी कभी शॉट मिस हो जाते हैं। अब सोचिए आप एक फ्रेम में रखें और गलती से फ्रेम में कोई किसी भी बर्ड या एनिमल का अगर मूवमेंट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, तो आप मिस भी नहीं करेंगे एक भी फ़ोटो। तो मेरे हिसाब से मेरे भी जो बर्ड फोटोग्राफी के एक्सपीडिशंस आने वाले हैं इन रीसेंट फ्यूचर, ये मुझे बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसका जो थर्ड फीचर हुआ है वर्जन 2 में एडिशन, वो मेरे जैसे लैंडस्केप फोटोग्राफर या फिर जो रियल इस्टेट या आर्किटेक्चर शूट करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। हालांकि ये भी आज के नए ज़माने पे नहीं है, बहुत दिनों से आ चुके हैं, अदर मैन्युफैक्चरर्स को ला चुके हैं, लेकिन निकॉन कैमरा के अंदर आना वो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहे, दैट इज़ पिक्सल शिफ्ट शूटिंग। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये मल्टीपल रॉ कैप्चर्स करता है, रॉ फोटोज़ कैप्चर्स करता है डिफरेंट पिक्सल को शिफ्ट करके बाय यूजिंग द इनबिल्ट वाइब्रेशन रिडक्शन, या जो अलग अलग शिफ्ट करता है पिक्सल्स को और मल्टीपल फोटोज़ लेता है, से 4 का ऑप्शन रहता है, 8 का रहता है, 16 का रहता है, 32 इमेजेस रहता है, उसको फिर जो निकॉन का NX स्टूडियो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये मर्ज करता है और एक 180 मेगापिक्सल के फ़ोटोज़ निकाल के देता है। अब आप सोचिए इसका 45 मेगापिक्सल ही इतना एडवांस था जो कि बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन लगता था, अब अगर आपको 180 मेगापिक्सल का एक फ़ोटो मिलेगा तो आप कितने बड़े होर्डिंग्स में लगा सकते हैं, बिलबोर्ड्स में लगा सकते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कितना हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसका एक बड़ा गलती भी रहता है कि ये स्टिल सब्जेक्ट के लिए ही यूजेबल है, आप कोई मोशन वाला सब्जेक्ट जैसे बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ या एक्शंस के लिए आप इसको बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, चाहे आप लैंडस्केप्स करें या फिर आर्किटेक्चर करें या रियल इस्टेट्स के शूट करें, तभी आपको ये अच्छी तरह से काम आने वाला है। तो खैर जो भी हो, मेरे लैंडस्केप्स पे तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट जो फीचर है वो पहले से था ही, निकॉन Z8 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसमें कुछ एडवांसमेंट है जैसे कि प्री रिलीज कैप्चर। अच्छा, अगर आप आईफोन्स यूज़ करते होंगे तो ये टर्म के साथ फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ फैमिलियर ज़रूर होंगे। आईफोन्स में कई सालों से लाइव कैप्चर का ऑप्शन आता है, आप देखे होंगे अगर लाइव मोड ऑन कर देंगे और कैप्चर कुछ भी करेंगे तो 10 सेकंड का वो शॉट के अंदर एक वीडियो ले लेता है, लेकिन आप उससे कुछ भी एक फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। तो ये प्री कैप्चर जो निकॉन ने दिया हुआ है इसमें भी यही फंक्शनलिटी है, अगर शटर को आप हाफ प्रेस करते हैं तब से ये कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा और वो खुद ही जान लेगा जब आप शटर दबाने के बाद जब रिलीज़ करेंगे तब तक वो कैप्चर करेगा। तो पहले ये 30 सेकंड्स तक एनेबल हुआ करता था जो कभी चेंज हो के 30 से 300 सेकंड्स तक हो चुका है। ये तो हो गए सारे फोटोग्राफी के फीचर्स, और आप कमेंट सेक्शन पर बताइए क्या ये फीचर्स सारे आपको हेल्पफुल होने वाला है। वेल, मैं तो चाहूँगा कि ये सारे फीचर्स जो पुराने जनरेशन के निकॉन के कैमरास हैं जैसे कि Z6 II हो गया, Z7 II हो गया, इनमें भी आ जाए तो बहुत ही मज़ा लग जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब Z8 पे, Z9 पे, ZF पे और फ्यूचर में आने वाले Z6 III या Z7 III जो भी जनरेशन के कैमरास आएंगे उन पे आपको सभी में अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो क्रॉप मोड में हो या फिर फुल फ्रेम मोड में हो, ये सारे फीचर्स को आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्लो मोशन वीडियो। वेल, आप जानते हैं कि निकॉन Z8 8K के अप टू 60 FPS तक शूट करता है, लेकिन सारे जो शूटिंग रहते थे वो एक्चुअली आप पोस्ट प्रोडक्शन में करने के बाद ही कन्वर्ट कर सकते थे स्लो मोशन करके। लेकिन Z6 II या ZF की तरह अभी आप इनबिल्ड में x4 या x6 या x2 करके इजीली स्लो डाउन कर सकते हैं, आपको एक रेडीमेड फुटेज मिलेगा। तो अभी आपको क्लाइंट के साथ अगर वेडिंग्स करते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ्स करते हैं और तुरंत ही आपको स्लो मोशन फुटेज देखना है तो आप उसका ऑप्शन यूज़ करके इजीली एट दैट टाइम ओनली स्लो मोशन बना सकते हैं। तो है ना ये एक बहुत बढ़िया फीचर, हालांकि ये भी कॉमन नहीं है, ये सारे कैमरास में अभी अवेलेबल है, लेकिन इस बीस्ट वाले कैमरा के साथ ये फीचर्स आना इसको एक और स्टेप कैपेबल बना देता है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो फीचर्स है वो पैशनेट फिल्म मेकर या फिर प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स के लिए तो एक रिवोल्यूशनरी चीज़ है।
जैसे कि हम जानते हैं, और वैसे निकॉन कहीं पर मेंशन तो नहीं किया था, लेकिन इसका जो एनलॉग में बेस आईएसओ था वो 800 से स्टार्ट होता था, और उसका जो सेकंड बेस आईएसओ था वो 4000 आईएसओ पे होता था। और मैं बता रहा हूँ, ये अभी तक आपको कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, 4000 और 800 आईएसओ पे सबसे बेस्ट क्लीनेस्ट इमेज मिलता है। लेकिन उससे भी और मज़े की बात यह है, और सबसे अच्छी बात यह है, बेस आईएसओ 800 से भी कम करके लो 2 आईएसओ तक जा सकते हैं, मतलब 2 स्टॉप्स आईएसओ और नीचे जा सकते हैं, कि जैसे कि 800 से 400 और 400 से 200 तक। अब इससे अच्छा ये होगा कि हमें जो डायनामिक रेंज है वो बढ़िया और हो जाएंगे। तो बेसिकली वीडियोस में क्या होते थे, हाई आईएसओ के होने के कारण शेडोज पे कैसे भी करके थोड़ा नॉइज इंट्रोडक्शन हो जाता था। अब 200 आईएसओ पे अगर आ गया इसका बेस आईएसओ, तो सोचिए कितना बढ़िया शेडोज में रिकवरी हो पाएगा, और आपके जो 1.2 या 1.4 वाले लेंसेस हैं उसको यूज़ करते वक्त आप बिना एनडी फिल्टर के भी 2 स्टॉप आईएसओ और कम करके ले सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप जैसे अभी भी देख पा रहे होंगे, मैं ये Z6 II के साथ 51.2 यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि उसमें एनलॉग पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो फ्लैट पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार मैं Z8 के साथ 51.2 एनलॉग पे शूट करता हूँ, और कभी कभी मुझे ज़्यादा एक्सपोजर हो भी जाते हैं, तब मुझे अपर्चर F8 या F11 तक करना पड़ता है, जो कि मुझे पसंद नहीं लगता है अपने टेस्ट के हिसाब से। अब 1.2 पे मैं वो इजीली कर सकता हूँ, तो है ना ये एक बढ़िया फीचर। अगर आपके पास निकॉन Z8 या ZF या Z9 है, तो डू यूज़ दिस फीचर्स, आपके जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ईजी भी हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगने वाला भी है। ये तो थे जो मेजर फीचर्स एडिशन हुआ है या फिर अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऑपरेशनल रिलेटेड फीचर्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि आप जूम करते वक्त आपको जूम आउट पूरा करना नहीं पड़ेगा, हाफ शटर प्रेस करके जूम आउट कर सकते हैं, या फिर जो फोकस का एरिया का विड्थ है उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऑपरेशनल फीचर्स हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीन रिकॉर्ड करके, आई थिंक आप इसको पढ़ लेंगे तो आप ज़्यादा यूज़फुल रह पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था यही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के फीचर्स, जो कि आई थिंक सभी Z8 यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जो मन में एक थोड़ी खटास थी कि यार मैं Z9 लेता तो अच्छा होता, और अभी शायद ये बिल्कुल भी महसूस करना नहीं पड़ेगा कि Z8 भी अगर आपके पास है तो 1.5 लाख आपका बच भी जाता है, और उसके साथ ही आपके फोटोज भी कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं करते और फीचर्स भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। तो चलिए ये था फीचर सारे, अब देखते हैं थोड़ा इसको रियल टाइम पे टेस्ट करके कैसे रिजल्ट आते हैं। मैं बताऊं तो अभी थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सारे नए अपडेट्स को लेके, और मैं काफ़ी खुश हूं। मतलब 10 साल तक तो भाई ये मेरे साथ रहने वाला ये कैमरा। अब नया आता है तो शौक के कारण तो ऐड कर लेंगे, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट रहा तो नए वाले कैमराज ऐड कर लेंगे, लेकिन ये अगर एक कैमरा भी आपके पास रह रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं पर भी गलत तो बिल्कुल महसूस नहीं होगा। चाहे आप लैंडस्केप्स करें, वाइल्ड लाइफ करें, रियल इस्टेट करें, कमर्शियल करें, वेडिंग्स करें, वीडियोग्राफी करें, कुछ भी ग्राफी कर लो यार, आपको इस कैमरा में बिल्कुल भरोसे के साथ ये आपको सारे आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा। तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में, इसके जो फर्मवेयर अपडेट आया 2.0, इसके जितने भी एडिशनल फीचर्स ऐड हुए
वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे रहे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इनके जितने फीचर्स को मैंने बताया आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। तो बस आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। होपफुली फ्यूचर में और कुछ नए नए इसके फीचर्स के भी एडिशन हो तो और मज़ा आ जाएगा। और मेरे पास अगर नए जनरेशन का 180-600 mm का लेंस भी आ जाएगा तो शायद मेरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में और थोड़ा भी हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि 200-500 mm मेरे लिए अभी बहुत ही अच्छा है और मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल जा रहा है। ऑटो फोकस में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।